स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 सीखा था, जिसमें हमने 3 अक्षरों के बिना मात्रा के शब्द सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें 3 के जगह 4 अक्षरों के बिना मात्रा के शब्द हम सीखने वाले हैं। 4 लेटर वर्ड्स विदाउट वोवेल सिंबल, जिसमें हमें बिना मात्रा के शब्द सीखने हैं। पढ़िए और सीखिए, रीड एंड लर्न दिस वर्ड। देखिए बच्चों, ये जो बॉक्स है वो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। ये सबसे पहले तो हेडिंग लगाना है नोटबुक में, चैप्टर नंबर 4, 4 अक्षरों के बिना मात्रा के शब्द। और ये जो वर्ड है बॉक्स में लिखे हुए, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम ये वर्ड है वो रीड करना सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है कसरत, तो ये पूरा वर्ड एक साथ बोले तो क्या बनेगा? कसरत। उसी तरह से नीचे देखते हैं, बरगद, बरगद। बरगद एक ट्री का नाम है, यानी कि आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं बनियन ट्री, तो उसे कहते हैं हिंदी में बरगद। अजगर, तो ये क्या बना? अजगर। सरगम, सरगम। अचकन, अचकन। नटखट, तो ये बना नटखट। अब हम आगे देखते हैं दशरथ। विद्यार्थी मित्र, दशरथ जो है वो श्री राम भगवान थे, उनके पिता थे, तो दशरथ एक किंग का नाम है, किंग यानी कि राजा। तो अगर आपको राजा का पिक्चर दे और ऑप्शन में दिया है दशरथ, तो आपको उसमें आंसर लिखना है दशरथ। अमजद, ये एक लड़के का नाम है, अमजद। झटपट, झटपट। शलगम, शलगम। देखिए बच्चों, इसे कहते हैं शलगम। क्या कहते हैं? शलगम। इसके आगे है अनबन, अनबन। कटहल, कटहल। आगे देखिए सरकस, तो बनता है सरकस। सरहद, तो बनेगा सरहद। खटपट, तो ये कौन सा वर्ड बना? खटपट। ये है टन टन, तो बनता है टन टन। उपवन, उपवन। उपवन का मतलब होता है गार्डन या तो बगीचा। गर्दन, ये क्या बना? गर्दन। अदरक, तो बनता है अदरक। उसके आगे है अहमद, ये है पनघट, तो बनता है पनघट। हरदम, हरदम। यहाँ पे है बर्तन और लास्ट में दिया है शरबत, तो शरबत का पिक्चर भी आपको नीचे दिया गया है। ये है शरबत, इसे कहते हैं बरगद यानी कि बनियन ट्री, और ये है उपवन का पिक्चर यानी कि गार्डन का पिक्चर। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, पेज नंबर 19। अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में है, नीचे लिखे अक्षरों से 4 अक्षर के शब्द लिखिए। राइट 4 लेटर वर्ड्स बिगनिंग विथ ईच ऑफ द लेटर्स गिवन बिलो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए है, क क लिखा हुआ है, क से 2 वर्ड बना के आपको दिए है। क से क्या बनाया है? कसरत और कतरन। अब नीचे दिया है ब, अब ब से आपको जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं 4 अक्षरों के, वैसे शब्द यहाँ पे लिखने हैं। मैंने लिखा है बरगद और बर्तन, आप इसके अलावा भी कोई भी शब्द लिख सकते हैं। स से बनाया है सरहद और सर्कस। श, श से शरबत और शलगम। तो इसमें आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो कि इन लेटरों से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें पिक्चर दिए गए हैं। अब हम रीड करते हैं, चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में आपको आंसर लिखने हैं कि ये कौन सा पिक्चर है। ये फर्स्ट पिक्चर है शलगम का। यहाँ पे आपको जो ब्लैंक जगह दी है वहाँ पे हिंदी में लिखना है शलगम। अब दूसरा पिक्चर देखते हैं, तो वो है अदरक का पिक्चर, वहाँ पे हमें लिखना है अदरक। और विद्यार्थी मित्रों, ऊपर ये आपको जब भी हिंदी में कोई भी वर्ड लिखे तो स्लिपिंग लाइन बनाना नहीं भूलना है। अब हम नीचे का पिक्चर देखें, ये है ट्री का पिक्चर, लेकिन ट्री कौन सा है? बरगद का, यानी कि ये बरगद का पेड़ है, इसलिए हमें आंसर लिखना है बरगद। अब हम आगे पिक्चर देखें, तो ये है कोट, लेकिन कोट है उसको हिंदी में कहते हैं अचकन। क्या कहते हैं? अचकन। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है अचकन। अब हम नेक्स्ट पेज में देखें, पेज नंबर 20, वहाँ पे भी 2 पिक्चर है। ये पिक्चर है गार्डन का यानी कि उपवन, तो आंसर लिखे उपवन।
और लास्ट पिक्चर है बर्तन, तो यहाँ पे लिखिए बर्तन। यहाँ पे बहुत सारे बर्तन के पिक्चर दिए हैं, आंसर में आपको क्या लिखना है? बर्तन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वहाँ पे हमें दी है ब्लैंक्स। सही शब्दों को खाली स्थान पर लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको क्या करना है? दो ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन जो है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पे ब्लैंक जगह पे लिखिए और जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कीजिए। ब्लैंक पहनकर चल, क्या पहनकर चलना है? अचकन या तो अनबन। तो अचकन का मतलब होता है कोट, इसलिए हम अचकन को आंसर में लिखेंगे, अचकन पहनकर चल। सेकंड है ब्लैंक में कसरत कर, तो सरहद या तो उपवन। सरहद का मतलब होता है सीमा, कोई भी सीमा पे हमें कसरत नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे तो हमारे जो सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं सरहद पे रह के। तो कसरत कहाँ पे करनी चाहिए? उपवन यानी कि गार्डन में, बगीचे में, उपवन में कसरत कर। नंबर 3, कलश ब्लैंक पर रख कर आ। कलश का मतलब क्या होता है कि घड़ा, पोट। पनकट यानी कि जहाँ पे पानी भरा जाता है, कुआ होता है वो जगह, पनकट पर रख कर आ, तो आंसर आएगा पनघट। और आगे हम देखें बर्तन पर ब्लैंक रख, बर्तन पर क्या रखना है? कटहल, या तो दो ऑप्शन दिए हैं टन टन, तो सही आंसर है कटहल। अब आगे है अहमद ब्लैंक मत बन, गर्दन और नटखट दो ऑप्शन दिए हैं, गर्दन यानी कि नेक और नटखट का मतलब होता है जो नखरे दिखाता है वो, तो अहमद है वो क्या करता है? नखरे दिखाता है, इसलिए हमें आंसर में लिखना है नटखट, अहमद नटखट मत बन। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र के साथ सही शब्द को मिलाइए, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हैं और बीच में वर्ड दिए हैं, तो पिक्चर जो है उसका सही नाम आपको हिंदी में यहाँ पे ढूंढना है। फर्स्ट पिक्चर है बरगद के पेड़ का, तो यहाँ पे आपको बरगद कहाँ पे दिख रहा है? नंबर 3 पे, तो इस पिक्चर को आपको बरगद के साथ मैच करना है, लेकिन आपको स्केल और पेंसिल लेके ही मैच करना है, पेंसिल के बिना ये स्केल के बिना आपको मैच नहीं करना है। दूसरा पिक्चर है अजगर का, तो अजगर आपको कहाँ मिलेगा? सेकंड नंबर पे, तो इसको आप मैच कीजिए। अब हम देखते हैं आगे का पिक्चर, वो है शरबत का पिक्चर, तो वो आपको ऑप्शन में लास्ट में मिलेगा शरबत, तो उसको आप मैच कीजिए। और लास्ट पिक्चर है आपको दिख रहा है उपवन का यानी कि गार्डन। देखिए आप यहाँ पे रेनबो भी देख सकते हैं जो कि हमारे स्कूल का नाम है, यहाँ पे है उपवन, तो आप ये उपवन के साथ मैच कीजिए। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों को, शब्दों के अक्षरों को अलग अलग कीजिए, सेपरेट द लेटर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या करना है? कोई भी जो वर्ड दिया हुआ है उसको आपको सेपरेट करना है यानी कि अलग अलग करना है। फर्स्ट है टम टम, तो इक्वल टू हमें क्या करना है? सेपरेट करना है ट प्लस म प्लस ट प्लस म। अब इसको आप ज्वाइन कीजिए तो कौन सा वर्ड बन जाएगा? ये जो आपको दिया है टम टम वो वर्ड। अब है गर्दन, उसी को भी आप, इसको भी आपको इस तरह से सेपरेट करना है, ग प्लस र प्लस द प्लस न, तो बनेगा गर्दन। शलगम, पनकट और अचकन, ये तीनों वर्ड को भी आपको इसी तरह से सेपरेट करना है। अब हम देखते हैं नीचे, आओ सीखे लेट अस लर्न, क्या लर्न करना है हमें? बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे चमत्कारी शब्द होते हैं जो शालीनता लाते हैं। चिल्ड्रन देर आर सम मैजिक वर्ड्स विच यू कैन यूज टू बी कॉर्टियस, यानी कि ये आप अपनी रोजिंदी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से वर्ड है ऐसे? यहाँ पे आपको दिए है थैंक यू, तो उसे हिंदी में कहते हैं धन्यवाद। क्या कहते हैं? धन्यवाद। ये आप रोजिंदी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को थैंक यू के बजाय धन्यवाद भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे है दूसरा पिक्चर कृपया, यानी कि प्लीज़, आप किसी को प्लीज़ कहे उसके बजाय आपको क्या कहना है? कृपया, तो आप ऐसे हिंदी शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे है आई एम सॉरी, क्या कहना है? अगर आपको किसी को सॉरी कहना है तो आपको हिंदी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे माफ़ कीजिए। क्या कहना है? मुझे माफ़ कीजिए। और अब लास्ट यहाँ पे चमत्कारी शब्द के तौर पे बताया गया है प्लीज़ लिसन, और अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, तो ऐसा वर्ड आप यूज़ कीजिए, उसके वजह आपको कहना है ज़रा सुनिए।
क्या कहना है जरा सुनिए। तो बच्चों ये आप कुछ वर्ड सीखे जो आप जिसको आप अगर यूज़ कीजिए तो ये शालीनता दर्शाते हैं आपके अंदर बची हुई। तो इस तरह से आपको ये वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ तक की एक्सरसाइज लिख के कंप्लीट करनी है।